दुनिया के सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाले जानवर की बात करें तो हमारा ध्यान जाता है चीते की तरफ। पर क्या चीता सिर्फ अपनी दौड़ के लिए याद किया जाता है? क्या इसका पर्यावरण में इसके अलावा कोई महत्व नहीं है? तो आइए आज आपको बताते हैं चीते से जुड़ी भारत के संदर्भ में आई नई खबर के बारे में। चीते चीते की संख्या को देखें तो मुख्यतः यह अफ्रीका और अफ्रीका के मुख्य क्षेत्रों में पाया जाता है। चीते की बात करें तो भारत के संदर्भ में यह 1950 के दशक से प्रायतः लुप्त माना जाता है, लेकिन भारत सरकार ने फिर से भारत में चीते की आगमन को लेकर योजना बनाई है, जिसमें भारत सरकार रोगमुक्त स्वस्थ प्रजनन आयु वाले चीतों की तलाश में है। सरकार ने 5 सालों में दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, अन्य अफ्रीकी देशों से 12 से 15 चीते लाने की बात कही है। वैसे अगर ध्यान दें तो यह योजना चीतों को सिर्फ जंगल में छोड़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि चीतों की कॉलर पर GSM, उपग्रह, GPS आदि विभिन्न तकनीकी यंत्रों से निगरानी रखी जाएंगी, जो चीतों की गतिविधि, उनकी कार्यविधियों को दर्शाएगा। अब बात मुख्यतः यह है कि चीतों को कैसा परिवेश चाहिए। तो चीतों के परिवेश के लिए एक नाम दिया गया था कूनो राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन अभी अन्य राष्ट्रीय उद्यान भी के नाम भी यहाँ पर प्रस्तावित किए। अब बात करें पर्यावरण में चीते के महत्व की, तो चीता जो है वो शीर्ष मांसाहारी पशु है। यह पोषण स्तर में सर्वोच्च स्थान पर रहता है, जो कि पूरे जीव चक्र को चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यदि इसे वहाँ से हटा दिया गया तो पूरा चक्र है वो असंतुलित हो जाएगा, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सहायक होते हैं। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।